कल के वीडियो में मैंने बताया था कि आप जियो एयर फाइबर में कैसे वॉइस कॉल कर सकते हैं। तो कल जो ऐसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि मेरा जो सेकेंडरी फ़ोन था जिसमें हम जो है अपना जियो ज्वाइन एप्लीकेशन काम ही नहीं कर रहा था। अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आप सभी को पता होगा कि उसमें काम ही नहीं कर रहा था और काफ़ी लोग को भी ये प्रॉब्लम आ रहा था कि जियो ज्वाइन एप्लीकेशन में इरर आ रहा था। तो फाइनली वो ठीक हो गया है। तो आज के वीडियो में बताऊंगा कि आपको ये प्रॉब्लम जो देखने को मिल रहा है उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, मैंने कैसे ठीक किया, हर एक डिटेल से मैं समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप जियो फाइबर में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हर एक प्रॉब्लम, हर एक सोल्यूशन के बारे में इस पर वीडियो आता रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने बताया था कि आप जियो एयरफाइबर में कैसे वॉइस कॉल कर सकते हैं, ये बात क्लियर हो गया था। उसी वक्त आप सभी को मैंने लाइव दिखाया था कि मेरा जियो ज्वाइन का जो एप्लीकेशन होता है वो वर्क ही नहीं कर रहा था, इरर का ऑप्शन आ रहा था। तो उसको कैसे मैंने ठीक किया, पहले मैं ये बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आप सभी को ये भी बताया था कि जियो ज्वाइन का एप्लीकेशन जो है उसका सर्वर में थोड़ा प्रॉब्लम चलता है OTP के रिलेटेड। आप जब भी करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, आप इसको कई बार ट्राई करिए। मैंने जैसा कि लगभग 4 से 5 बार अलग अलग ट्राई किया, यानी कि जब मैं एक बार किया तो उसे बार बार ट्राई कर रहा था, OTP जनरेट करा रहा था। फिर मैंने उसे छोड़ के फिर लगभग 3-4 बजे किया, फिर शाम को किया, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि OTP जनरेट हो गया और हम OTP डालें। यानी जैसे ही आप OTP डालिएगा आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, एकदम मस्त बिंदास चलने लगेगा। तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, यानी कि सोल्यूशन इसका है ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं है, तो सोल्यूशन क्या होगा। तो आपका ये एकदम काम करेगा लेकिन थोड़ा, जैसा कि मैंने बताया कि सर्वर प्रॉब्लम होता है तो ये सब प्रॉब्लम आना आम बात है। जियो ज्वाइन जो है वो बिंदास काम करता है, आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम लेने की बात नहीं है। आप ट्राई करते रहें, अगर आपको प्रॉब्लम आता है, अब ऐसा नहीं कि आप एक बार ट्राई करने गए तो बार 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 करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। आप जो है अलग अलग टाइम पर ट्राई करें, लगभग 4 से 5 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, इस तरह से आप ट्राई करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब OTP जनरेट होगा, आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, यही सोल्यूशन है कि आप ट्राई करते रहे, प्रॉब्लम वैसे ये है ही नहीं, तो आपको सोल्यूशन क्या बताएंगे।